हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार सिंह। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आप स्क्रीन को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। विंडो 11 23S2 एंड 24S2 वर्जन में इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट सेटअप को कैसे बाईपास किया जाए, चाहे आप फर्स्ट टाइम विंडो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या न्यू सेटअप कर रहे हैं। इसे फिक्स करने के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इसे फिक्स करने के लिए आपके पास रूफस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, आपके डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा जो अपने इस ड्राइव को पोर्टेबल बनानी है। मेरी पेन ड्राइव 32 GB की है, इसे डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद आईओएसओ को सिलेक्ट करना है। पार्टीशन स्कीम जीपीटी रहनी चाहिए। वॉल्यूम आप डिफॉल्ट रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी। आपको क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन को आपको बस इस पर टिक करना है और ओके कर देना। अगेन ओके। जब इस बुटेबल पेन ड्राइव से जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड इंटरनेट वाला ऑप्शन बाईपास हो गया। थैंक यू।